बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि सीएमडी है फेलिक्स हॉस्पिटल के, एक बार फिर से उनसे हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर गुप्ता देखिए, लगातार हम मुझे लगता है कि अलग अलग माध्यम से कोशिश कर ही रहे हैं लोगों को जागरूक करने की, लोगों को बताने की कि फिलहाल स्थिति क्या है नहीं है, लेकिन इन सब के बीच बीइंग अ पेरेंट मुझे भी बहुत डर रहता है, क्योंकि अभी तक वाकई जो बात आप कह रहे थे, बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऐसे में ये बताइए कि जो अपने पीयर ग्रुप के साथ ही, क्योंकि देखिए अब स्थितियां बदली है, लोग भी थोड़ा ना मतलब पिछले 2 साल से इतने परेशान हो गए हैं कि वो भी चाहते हैं कि भाई बाहर निकले, बच्चे भी बाहर निकले, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से अपने पीयर ग्रुप के साथ भी अगर वो बाहर निकलते हैं, खेलते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या ये अलाउ करना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल पीयर ग्रुप के साथ अलाउ करना चाहिए, बट विद ऑल प्रिकॉशंस, विद ऑल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। बच्चों में बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के साथ खास बात होती है कि अगर हम लोग उनको कुछ ट्रेन करना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, या हम खुद कुछ पालन कर रहे हैं किसी नियमों का, डेफिनेटली वो उसको कॉपी करते हैं और पालन करते हैं। जैसे मेरा बेटा 5 साल का है, उसको मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, मास्क ना लगाने क्या नुकसान है, इवन वो हम लोगों को बताता है बहुत बार कि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, बाहर वायरस है। तो अगर बच्चों को हम ट्रेन करें, और खाली बच्चों को वायरस कोविड वायरस से चीजें नहीं बताएंगे, अगर बच्चों को हम ट्रेन करते हैं हाइजीन के बारे में, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी इलनेस हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस है, और बहुत सारे कॉमन कोल्ड्स हैं, जो वायरसेस होते हैं, उनसे बचेगा बच्चा। दूसरा, अगर हम हैंड हाइजीन अच्छे से सिखाते हैं बच्चों को, तो ना ही ये खाली कोविड से बल्कि टाइफाइड, इसके अलावा एंट्रिक फीवर, इसके अलावा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस, ऐसी बहुत सारी जो फीको और लूट से जब बीमारियां फैलती हैं उनसे बचाता। तो कहीं ना कहीं हमें न्यू नॉर्मल लाइफ जीने की जरूरत है, नया कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है, नई एसओपीज को पालन करने की जरूरत है। ऑफिस की एसओपीज अलग होनी चाहिए, घर की एसओपीज अलग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जो रूटीन वैक्सीनेशन बच्चों को लगवाना है वो करके जरूर लगवाएं, उसको डिले ना करें। खास करके जो फ्लू शॉट लगवाना है बच्चों को, निमोनिया का शॉट लगवाना है, और जो दूसरे जो भी पेंडिंग वैक्सीनेशन किसी के डिले हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड, उन सबको जरूर लगाएं। कुछ ना कुछ क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है, अगर बच्चे को कोविड हो गया और साथ में कोई निमोनिया हो गया, उसकी वैक्सीन नहीं लगी है, तो ये कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकते हैं। और एक बार मैं और बोल देना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसा एक भ्रम फैला हुआ लोगों में कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो इसलिए हम प्रोटेक्टेड हैं और हम को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, हम किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है फिर भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। फायदा इतना होता है वैक्सीन लगवाने का कि आपको कॉम्प्लिकेशन और बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, या डेथ रेट आपके अंदर बहुत कम होगा। परंतु अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है और आपको इन्फेक्शन हो गया, तो आपको इन्फेक्शन को ट्रांसमिट जरूर कर सकते हो, खासकर अपने घर में बच्चों को ट्रांसमिट कर सकते हो जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है। और हमने लास्ट वेव में देखा कि बच्चों के अंदर भी कुछ परसेंट बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हुए हैं, जिनकी बच्चों को मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन तक हुए। तो कृपया करके अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है, दोनों डोज लगवा भी ली है, फिर भी जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर ना कर दे कि कोविड हमारे यहाँ कंट्रोल हो गया है और हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं विदाउट मास्क, तब तक आपको मास्क पहनना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना चाहिए। और सरकार ने एक और अच्छी बात करी है कि अभी एक नया अभियान आज से चालू हो रहा है, उसको बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है हर घर दस्तक, मींस इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च ए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव टुडे अगेंस्ट कोविड 19। क्योंकि अभी तक जो हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं लगभग 45 लैक्स पर डे के हिसाब से लगा रहे हैं, अगर हमें दिसंबर तक अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन को भी कवर करना है तो हमें 1 करोड़ पर डे वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। और हमें प्रूव कर चुके हैं, हम 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगा चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे, जो हम लगा चुके हैं तो हमें और बढ़ावा देना चाहिए। तीसरी बात, करंट पब्लिक में इस समय वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ गई है बिकॉज डर खत्म हो गया है, लोग लगता है कोविड आया था चला गया है, तो इसलिए लोग सेकेंड डोज को मिस कर रहे हैं। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसकी भी सेकेंड डोज दी हुई है कृपया करके तुरंत नियर बाय सेंटर पे वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब वैक्सीन प्लेंटी ऑफ मात्रा में उपलब्ध है, हर जगह नियर बाय सेंटर्स पे उपलब्ध है, प्राइवेट पब्लिक हर जगह उपलब्ध है। तो कृपया करके ये ना सोचें कोविड चला गया तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए हमें सरकार को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, धर्मगुरुओं को, बुद्धिजीवियों को, सबको एक अभियान चलाना चाहिए। जब तक अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन को पूरा वैक्सीनेट ना कर दें, अभी एलिजिबल की बात कर रहा हूं मैं 18 साल से ऊपर, और साथ साथ बच्चों की नई वैक्सीन लानी चाहिए और पैरेलली उस पर भी अभियान चलाना चाहिए कि हम बच्चों को अगले 5-6 महीने में सारे बच्चों को वैक्सीनेट करें, जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही।